Hello everyone, welcome to Parentopedia, your key to happy parenting with me, Poonam Hegde. I'm a certified parenting coach, a graphologist, a CBT professional, and I've trained more than 15,000 corporate employees over the span of 20 years. And today we are going to talk about our favorite topic, book series. आज का जो वीडियो सीरीज है वो उन पेरेंट्स को डेडिकेटेड है जो अपने बच्चों को बुक रीडिंग की आदत लगाना चाहते हैं। अब जब आप बुक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ ऐसे सब पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये कि आप बुक्स जितनी जल्दी आप पढ़ाए उतना अच्छा, एंड एज अप्रोप्रिएट बुक्स में इन्वेस्ट करें। कभी भी क्या हो जाता है कि आप अगर एज अप्रोप्रिएट बुक्स नहीं होता, बच्चा है 2 साल का और आप उसे एक ऐसी किताब पढ़ा रहे हो जो 8 साल के बच्चे के लिए है, तो वो उसे एंजॉय नहीं करेगा, वो उसे बहुत स्ट्रेसफुल होगा उसके लिए और आपके लिए भी स्ट्रेसफुल होगा। एंड देन आप सोचोगे कि ओ नहीं, मेरा बच्चा जो है वो किताबों में इंटरेस्ट नहीं देता। ऐसा नहीं है, हर बच्चे को अगर एज अप्रोप्रिएट बुक्स होगा तो वो उसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा, एंड ये 0 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। कैसे? वीडियोस देखते रहिए, आपको पता चली जाएगा। खैर, इन वीडियो सीरीज में क्या क्या डिस्कस होगा उसका एक क्विक पॉइंट मैं आपको देती हूँ। एक तो सबसे पहले आता है वाई बुक्स। वाई बुक्स का मतलब बच्चों के लिए बुक्स क्यों लेने चाहिए, क्यों खरीदने चाहिए। सेकंड, लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं बच्चों के। हर बच्चा अलग है तो उसके लर्निंग स्टाइल्स क्या है। अगर आप उसके लर्निंग स्टाइल को समझ लेते हैं तो उसके हिसाब से आप बुक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि बुक के कवर पे 2 से 3 साल का बच्चे का लिखा हुआ है या कोई भी लिखा होगा, वो जरूरी नहीं है। हर बच्चा अलग होता है। कभी कभी आप कुछ बच्चों को देखोगे कि 1 साल का बच्चा है मगर उसे इंटरेस्ट आता है कुछ ऐसे बुक्स में जो 3 साल के बच्चों के लिए है। तो कैसे आप अपने बच्चे का भी लर्निंग स्टाइल समझ सकते हैं और उसके हिसाब से बुक्स को खरीद सकते हैं, तो ये एक पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या रीड करें, व्हाट टू रीड, ओके, किस तरह की बुक्स में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसे उन बुक्स को कैसे पढ़ा जा सकता है, हाउ टू रीड दीज बुक्स सो दैट यू नो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू रीड, इन बुक्स को कैसे पढ़ा जा सकता है, कभी पढ़ा जा सकता है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज में आएगा वो ये है कि बुक रिकमेंडेशंस क्या है। आई नो बहुत सारे पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरह के बुक्स जो है वो खरीदा जाए तो हमारा बच्चा जो है वो क्विकली ग्रास्प कर सकता है। तो अलग अलग बुक रिकमेंडेशंस है जो इन वीडियो सीरीज में मैं लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सारे पॉइंट्स, आप उसे देख सकते हैं। मगर इस वीडियो सीरीज का लिंक ना तोड़े, आप हर वीडियो को देखिए। अगर आप ये 6 से 7 वीडियोस को देखोगे, यू विल बी विथ मी एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच वीडियो कि आपके बच्चों के प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को आप स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, वो ये सारे वीडियोस देखने पर ही आपको पता चलेगा। सो जस्ट बी विथ मी इन ऑल वीडियो सीरीज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज व्हाई बुक्स। अच्छा, बच्चों के लिए बुक्स इंट्रोड्यूस क्यों करें, क्या बेनिफिट है बुक रीडिंग का। ज्यादातर कंप्लेंट्स क्या होते हैं किसी भी पेरेंट के बच्चों के बारे में, मैं बताती हूँ कि मेरे पास ज्यादातर पेरेंट्स के कंप्लेंट क्या आते हैं। मेरा बच्चा रेस्टलेस है, मेरा बच्चा अग्रेसिव है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मेरा बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं है, मेरा बच्चा स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं देता है। यानी अगर आप देखेंगे कि बुक रीडिंग के हैबिट से आप इन सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान बुक रीडिंग में है। आप बुक रीडिंग अगर पहले से आदत लगाते हो तो बच्चा फोकस कर रहा है, फोकस यानी आप बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। आप एक बच्चे को एक कोजी एनवायरमेंट में, एक शांत एनवायरमेंट में जब बिठाते हो, उसे बुक रीड कराते हो, वो उसके लिए एक फन एलिमेंट होता है। एंड देन व्हेन दे एंजॉय इट, इट बिकम्स अ हैप्पी प्लेस फॉर देम, सो दे डेफिनेटली यू नो कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड दे ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू बाय पॉइंटिंग ऑन द बुक, या फिर यू नो बाय टचिंग, बाय फीलिंग द बुक और बाय आंसरिंग योर क्वेश्चंस, रिकग्नाइज करना सीख लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो सेकेंड फायदा होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, दैट इज दैट बिकम्स अ स्ट्रांग बॉन्ड। यू नो देयर इज अ स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। आप एक बच्चे को जब बिठाकर आप उसके साथ स्टोरीज नरेट कर रहे हो तो वो उसके लिए एक हैप्पी प्लेस होता है। तो बच्चों के लिए एक कम्युनिकेशन माध्यम भी होता है। दे टेंड टू इंटरैक्ट विथ यू, दे टेंड टू ऑब्जर्व यू, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं। मुझे याद है जब मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बुक्स का, दैट इज बिकॉज ऑफ माई नाना जी। माई नाना जी, ही वॉज द बेस्ट स्टोरी टेलर एंड वेन ही यूज टू डू दैट, यूज टू डू दैट एट नाइट, दैट्स वन मेमोरी जो मेरे अंदर हमेशा होती है स्टोरी नरेशन का। वेन ही यूज टू, यू नो, वी बिलोंग टू बैंगलोर, तो वी यूज टू सिट इन द कोर्ट यार्ड एंड ऑल द किड्स यूज टू सिट देयर एंड वो स्टोरीज नरेट करते थे। और जब वो नरेट करते थे कि दूर एक गाँव में एक छोटा सा घर था और उस छोटे से घर के बगल में एक बहुत ही विशाल पेड़ था
और उस विशाल पेड़ की चोटी पर एक बहुत ही डरावनी भद्दी चुड़ैल रहती थी। एंड व्हेन ही यूज्ड टू से दैट वी वुड एक्चुअली इमेजिन द चुड़ैल इन फ्रंट ऑफ अस, एंड इतना इमेजिनेशन बूस्ट होता है। तो ये भी एक फायदा होता है कि आपके बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपके बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है, एंड दे रिलेटेड टू दैट हैप्पी मेमोरी। लाइक आई रिलेटेड टू माई हैप्पी मेमोरी ऑफ माई नेटिव, जो मेरे नाना जी का एक्सपीरियंस है वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो इस तरह से यू आर क्रिएटिंग अ हैप्पी प्लेस, सो दे एसोसिएट बुक्स विथ हैप्पीनेस। So you are creating better readers. You are creating readers when you are trying to read books along. So this is one good benefit for book reading. चलिए बात करते हैं learning styles के। According to Howard Gardner, there are three learning styles. तीन तरह के learners होते हैं: auditory learners, visual learners and kinesthetic learners. अब auditory learners कौन होते हैं? क्या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जब भी एग्जाम्स होता है या पढ़ाई करना होता है तो किताब को लेकर जोर जोर से पढ़ाई होती है? तो ऐसे जो लर्नर्स है वो ऑडिटरी लर्नर्स है, यानी दे रिमेम्बर इट बेटर इफ दे रीड इट अलाउड, तो लंबे समय तक वो याद कर पाते हैं। तो इसीलिए जब आप बच्चों को किताब पढ़ाते हैं तो उसे आप पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीखे, मगर मजे के साथ सुनाइए, क्योंकि जब आप वो मस्ती के साथ आवाज में सुनाओगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। कभी कभी किताब को लेकर उसे ड्रम कीजिए, उसे उस पर बीट्स बजाइए और फिर आप उसे सिखाइए, उस पर भी बहुत मजा आता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जिनके लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट है, तो आपके लिए एक शॉर्टकट है, आप म्यूजिकल बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूजिकल बुक्स में ऐसे बहुत सारे बुक्स है जिसमें आप एनिमल बुक्स या फार्म बुक्स या जू, इस तरह की जो किताबें हैं उसमें साउंड बटन्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बुक्स का मतलब होता है कि ऐसे कुछ किताब होते हैं जिसमें आप, हो सकता है एनिमल्स है तो एनिमल्स के साउंड्स इसमें दिए रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज वन साउंड, ओके, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर साउंड्स एज वेल। अगर आप इसे देख सकते हैं तो कुछ ऐसे इसमें बड़े बड़े पिक्चर्स हैं, एंड गो फॉर बुक्स जो बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं। अब ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, आगे आने वाली वीडियो सीरीज में मैं बहुत सारे एज अप्रोप्रिएट बुक्स जो है उसके सेपरेट वीडियोस बना के दूंगी, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह की किताबें लेनी चाहिए। तो म्यूजिक बुक्स होते हैं जहाँ पे आप ऑडिटरी लर्नर्स को इस तरह की किताबें ले सकते हैं, या फिर सर्टन अदर बुक्स, जैसे आप कोई नॉर्मल बुक भी पढ़ा रहे हो तो उसे भी आप यू रीड इट अलाउड या फिर क्लैप के साथ, हर एक जब बुक पढ़ाया जाता है तो उसे गाकर भी पढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बुक है जिसे मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, विच इज कॉल्ड एज दैट्स नॉट माई लैम्प। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड किशाज फेवरेट एज वेल। तो जब मैं इसे पढ़ाती हूँ तो मैं इसे कुछ इस तरह से गाती हूँ, दैट्स नॉट माई लैम्प, दैट्स नॉट माई लैम्प, दैट्स नॉट माई लैम्प, इट्स नोज इज टू रफ। इस तरह से आप म्यूजिक उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हेन यू स्क्रैच इट्स नोज, दिस इज कॉल्ड एज अ टच एंड फील बुक। ये टच एंड फील बुक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी है जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ साउंड। तो ये कुछ बुक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देर आर लॉट ऑफ अदर बुक्स ऑल्सो, या अगर आपके पास एक नॉर्मल बुक भी है तो उस नॉर्मल बुक को भी आप जितनी इंटरेस्टिंग आवाजों से आप पढ़ाओगे उतने इंटरेस्टिंग वे से वो ग्रास्प करते हैं। नाउ दैट सेकेंड जो कैटेगरी है वो विजुअल लर्नर्स की है। अब विजुअल लर्नर्स कौन है? जो अगर कोई पिक्चर्स देख ले, ब्राइट कलर्स देख ले, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, तो दे रिस्पॉन्ड टू बिग पिक। तो उनके लिए कुछ ऐसे बुक खरीदे जो विजुअल हो काफी। विजुअल का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का पिक्चर एक पेज पे, उससे ज्यादा पिक्चर्स नहीं है, तो इसे हम बोर्ड बुक्स कहते हैं। ये बोर्ड बुक्स आसानी से मिल जाते हैं, इसमें टेक्स्ट बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत अपीलिंग होता है, विजुअली बहुत अपीलिंग होता है। तो बहुत ज्यादा मल्टीपल पिक्चर्स नहीं है, वन पिक्चर इन वन बुक, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ विजुअल लर्नर्स के लिए बहुत अच्छी किताबें होती है। ऐसे ही माय फर्स्ट लाइब्रेरी करके किताबों की सेट आती है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी इज काइनेस्थेटिक कैटेगरी। अब काइनेस्थेटिक लर्नर्स कौन होते हैं? दे एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन थ्रू मूवमेंट एंड मोशन। यानी ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अगर आप उन्हें इन्वॉल्व करो किसी चीज में तो वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दे नीड टू टच इट, दे नीड टू फील इट, दे नीड टू मूव अराउंड, तब वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो ऐसी एक किताब है जिसकी कैटेगरी को बोला जाता है फ्लैप बुक्स। अब ये फ्लैप बुक्स क्या होती है? फ्लैप बुक्स में कुछ ऐसी किताबें हैं जहाँ पे आप फ्लैपर्स ओपन कर सकते हो,
तो जब आप फ्लैपर्स ओपन करते हो देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स हिडन इनसाइड द फ्लैपर एंड दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन. मैं ऐसी एक किताब का एग्जाम्पल आपसे शेयर करती हूँ. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लिफ्ट द फ्लैप बुक. दिस इज वन कैटेगरी जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए. अगर आप इसे ओपन करोगे तो आप देखेंगे कि एवरी पेज हैज अ फ्लैप हियर. सो यू जस्ट हैव टू ओपन द फ्लैप एंड हर फ्लैप के अंदर कुछ ना कुछ सस्पेंस होता है. दिस इज अ सस्पेंस एलिमेंट फॉर योर चाइल्ड. तो ये बहुत मजा आता है बच्चों को खोलने के लिए और कई बार बच्चे तो इसे फाड़ने की भी कोशिश करेंगे. वेन देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं तब ये फाड़ने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज फन, यू नो, दीज बुक्स आर रियली फन फॉर दोज पीपल जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एक जगह पे बैठ नहीं पाते बच्चे. तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है. आप उसे इन्वॉल्व कर सकते हो. हाउ कैन यू इन्वॉल्व योर किड्स? यू कैन क्रिएट डिफरेंट साउंड्स वाइल रीडिंग. यू कैन, यू नो, ओपन द फ्लैप बाय क्रिएटिंग सस्पेंस. आप ये इस तरह से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हो. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस लिफ्ट द फ्लैप बुक एज वेल. आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. हमारे आने वाले वीडियो सीरीज में भी बने रहे एंड तब तक इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, इसे शेयर करें. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट ऑन द चैनल. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड.